कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज मैं ब्लॉग सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज हम कहीं जाने वाले हैं। दूसरी चीज़, आज एक स्पेशल दिन है। वो स्पेशल दिन क्या है वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। सबसे पहले आज है धनतेरस, तो हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि वैसे तो आज कुछ लोग कह रहे हैं कि आज सुबह से स्टार्ट है, दोपहर से स्टार्ट है, बट जब भी जैसे भी स्टार्ट है, स्टार्ट तो आज से ही है। तो हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू अगेन। और आज हम क्या क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, ये आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। सबसे पहली बात तो मैं नहाई रही हूँ, तो मैं नहा करके रेडी होकर के फिर आपसे मिलती हूँ। फिर आपको सब कुछ डिटेल देती हूँ, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और एक स्पेशल दिन है उसकी, उसका भी आपको पता चलेगा कि आज है 22 अक्टूबर। तो क्या है क्या नहीं सब पता चलेगा। तो बैग अपना रेडी हो गया क्योंकि शाम को वापस आना है, तो एक ही बैग लिया है। और गाड़ी में अपने दिखाता हूँ आपको, गाड़ी नीचे खड़ी अपनी बिल्कुल रेडी, और कृतिका भी रेडी हो गई है और मैं भी रेडी हो गया हूँ, और अभी निकल रहे हैं बस। चलो फिर चलते हैं। हम निकल गए हैं दिल्ली के लिए, तो व्लॉग शूट करना तो रह गया क्योंकि हम वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए थे। गुट्टू काफ़ी परेशान कर रहा था, एक तो रात भर सोया नहीं, उस वजह से भी हम लेट उठे हैं आज। कितना टाइम लग जाएगा दिल्ली पहुँचने में? हाँ, डेढ़ से दो घंटे अभी हमें लग जाएंगे। और उसके बाद हम मार्केट पहुँच करके देखते हैं क्या लेते हैं, क्या पसंद आता है। बाकी हमें आज शाम तक ही वापस आना है क्योंकि फेस्टिवल है, तो कहीं रुकना भी ठीक नहीं है, अपने घर पे वापस आना है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने एक और ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली किस लिए जा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो कल है धनतेरस और परसों है दिवाली। धनतेरस वैसे आज भी है, तो हम थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, दिवाली की कुछ कपड़े वगैरह लेने के लिए जा रहे हैं अपने और कृतिका के लिए। और मम्मी पापा अपने पहले ही कपड़े लेके आ चुके हैं, शॉपिंग करके आ चुके हैं वो। तो हमारी थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई थी दिवाली की, क्योंकि वही नए नए कपड़े लेके आ रहे हैं, वो भी हमें पहनने हैं दिवाली में। और मेरी आवाज़ आपको भारी इसलिए लग रही होगी क्योंकि कोल्ड है बहुत ज़्यादा और सर में भी दर्द है। हम निकलने में लेट हो चुके हैं, अपनी थार को लेकर के जा रहे हैं, और इधर बैठे हैं कृतिका और कुट्टू। और मैंने सुबह जब ब्लॉग स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कुछ स्पेशल चीज़ बता दी, और वो स्पेशल चीज़ अभी मैं बताती हूँ। वो ये है कि आज है 22 अक्टूबर, यानी कि हमारा कुट्टू आज 11 मंथ का हो गया, और आज 1 मंथ सेम डेट पे ये 1 ईयर का हो जाएगा। तो आज हमारा बेटा पूरे 11 महीने का हो चुका है, तो हैप्पी 11 मंथ बर्थडे कुट्टू, हैप्पी 11 मंथ बर्थडे। कितनी जल्दी ये बड़ा हुआ पता नहीं चला, ऐसा लगता है इससे अभी ही पैदा हुआ था, अभी तो हुआ था। और अब इसकी शरारत भी इतनी बढ़ गई कि ये गाड़ी भी शांति से नहीं बैठता। और मैं एक और बात बताता हूँ भाई, आज सच में पूरे 2 घंटे लेट हुए हम कुट्टू की वजह से, क्योंकि इतना शैतान है इसने ना तो मेरे को तैयार होने दिया और ना ही कृतिका को। और मतलब बैठता भी नहीं है अकेला, अगर इसको मतलब गोद में लेके रखोगे तो ये खुश रहेगा, और अगर इसको बेड वगैरह पे या फिर इसके वॉकर वगैरह में बिठा दोगे तो भाई रोना स्टार्ट कर देगा, पता नहीं क्या दिक्कत है। और कुट्टू के हाथ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ स्वेलिंग आई हुई है, पता नहीं कैसे मच्छर ने इसको काट लिया है। देखो कुट्टू का हैंड बिल्कुल रेड हो चुका है। तो अभी जो है सफर रह गया है 1 से 1.5 घंटे का, और अब कुट्टू तो सो गया है, शांति नहीं है मन को, जब से आया है कार में हम बैठे हैं सामान छेड़ जा रहे, बस सोया भी नहीं है, तो सो गया है। और अभी हम हैं रास्ते में, गांव के लोकेलिटी कितनी अच्छी होती है, कितनी ग्रीनरी है ना। तो कृतिका तो अभी फोन में लगी है, पता नहीं क्या करती रहती है फोन में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भाई दिल्ली, एंटर कर चुके हैं, और सामने आपको सिग्नेचर ब्रिज दिखाई दे रहा होगा। तो अपना यही रास्ता है, सेम सिग्नेचर ब्रिज, और सामने अपने लोकल की एक और थार दिखाई दे रही होगी आपको, मैं दिखाता हूँ आपको पास जाके। तो भाई ये भी अपनी UP-19 नंबर थार है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी अपने शामली के भाई है। जिस मार्केट में हमें जाना है वहाँ का हमने मैप लगा दिया है,
और सामने देखते हो वही दिल्ली की गलियों से निकलते हुए और ट्रैफिक, और कुट्टू भी हमारा उठ चुका है अभी जस्ट अभी, और दिवाली की रौनक देख सकते हो आप, हर जगह जो है मेला सा लगा हुआ है ऐसा लगता है, मतलब मार्केट हर जगह, रोड पे लोग मार्केट उठा के ले आए अपनी दुकान से बाहर, और इतना ट्रैफिक है सारी जगह, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी मार्केट वगैरह पूरी लगी हुई है अच्छे से काफी। और ये हमारा कुट्टू उठते ही सबसे पहले तो इसको जो गाड़ी का डस्टबिन है इसका ढक्कन चाहिए इसको, पता नहीं क्या है इसको पसंद आता है, और नींद में अभी भी, लेकिन फिर भी देख लो आप। तो ये सर हमारे ड्राइव करते हुए, और कितने मिनट का रास्ता रह गया, 15 मिनट का रास्ता रह गया हमारा मार्केट का, बस पहुंच ही गए हैं 15 मिनट दिखा रहा है मैं, और कुट्टू भी उठ गया है हमारा परेशान बहुत ज्यादा। तो अभी हम रुके हुए ट्रैफिक में, और यहाँ से टाइम रह गया है सिर्फ 13 मिनट, और ये कुट्टू हमारा और मैंने अपनी गाड़ी पे भी नया फ्लैग लगवाया है और नई डंडी लगवाई है। तो अभी हम यहाँ पे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास कैंप में, और हमें कैंप के नज़दीक ही जाना है जहाँ पे हमें पहुँचना है, तो वो पहुँच कर हम आपको वहीं पे दिखाएंगे। तो फिर तो अभी निकलने वाले हैं, आपको हम दिखाते हैं फिर अभी। पापा के पास चला गया है, ड्राइविंग कर रहा है, और अभी हम हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कमला नगर, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस हैं, रामजस, SRCC, दौलत राम, सभी कॉलेजेस यहाँ पर हैं, और बस हम पहुँचने वाले हैं, अब 8 मिनट का रास्ता रह गया है। जो दिल्ली के लोग हैं उन्हें पता चल ही गया होगा हम कौन सी मार्केट में जा रहे हैं, कौन सी मार्केट दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास में है, तो बस पहुँचते हैं और फिर आपसे वहीं पर मिलते हैं। तो गाइस हम मार्केट में आ चुके हैं, और आप देख सकते हो दिवाली की कितनी ज़्यादा रौनक है, जगह जगह पे डेकोरेशन का सामान मिल रहा है, और मार्केट स्टॉल बिल्कुल रोड पे लेके आ गए। हाँ, और ऑलमोस्ट सबके सामान यहाँ देख सकते हो आप, कितने प्यारे प्यारे डेकोरेशन के सामान मिल रहे हैं। देखिए अभी हम मॉल में जा रहे हैं, मॉल में पार्क करेंगे गाड़ी, उसके बाद फिर हम बाहर आएंगे मार्केट में खरीदने के लिए। सामने आपको मॉल दिखाई दे रहा होगा, हाँ सामने H&M लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा होगा, ये स्पार्क मॉल है ना। हाँ स्पार्क मॉल है, तो मतलब लोगों की सभी स्टॉल वगैरह जो है बाहर आ चुकी है, और इतनी अच्छी अच्छी डेकोरेशन के लिए यहाँ पे सामान मिल रहा है अभी। तो अभी अपनी गाड़ी पार्किंग में चली गई है, और अभी कुट्टू को भी हमने सैंडल वगैरह पहना दी है, और अभी चलते हैं बाहर। अभी हम जा रहे हैं मार्केट, पहुंच गए हैं, बहुत रश है दिवाली की वजह से, बट बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मार्केट में काफ़ी रौनक है। मगर रात की लाइट कितनी अच्छी लगती है, ऊपर वाली गलती होगी, डेकोरेशन का सामान है सारा काफी है। तो गाइस अभी आए हम इंसेंस कमला नगर में है जो, और वो जा रही है मैडम वहां पे, तो आज मैडम की शॉपिंग कराएंगे सबसे पहले, चलो। इधर से आओ ना, इतना ऊपर कैसे चढ़ोगे, आए नहीं है इंसेंस में ट्रेडिशनल दिवाली के पर्पज़ में, क्योंकि इंसेंस में मोस्टली वेस्टर्न ड्रेस मिलती है, तो बस जस्ट चेक करने आए थे कुछ मिल जाए तो, बट ऐसा कुछ पसंद नहीं आया दिवाली के पर्पज़ का, तो कहीं और देखते हैं और फिर दिखाते हैं। तो अभी हम दूसरे शोरूम पे आए हैं, और कृतिका ड्रेस ट्राई करने के लिए गई है, और कुट्टू और मैं बाहर वेट कर रहे हैं, और ये है शोरूम,
काफी अच्छे जो है कलेक्शन है यहाँ पे, तो अभी देखते हैं कौन सी ड्रेस पसंद आती है कृतिका को। और अभी कुट्टू और मैं बाहर वेट कर रहे हैं कृतिका का कि वो कितनी देर में आएंगी, और आप देख सकते हैं उन दोनों को, कुट्टू मेरी गोद में कैसे। तो अभी कृतिका ये शरारा वेयर करके आई है, तो देखते हैं भाई इसको पसंद आता है या नहीं है। ठीक ठाक ही लग रहा है देखने में, मुझे तो कुछ इतना खास लगा नहीं। बाकी दूसरी ड्रेस देखते हैं अगर कोई पसंद आती है तो। अभी कृतिका इसको चेक कर रही है चारों साइड से कैसा लग रहा है। तो अभी हम मॉल आ गए हैं और ड्रेस मैंने पसंद कर ली है, फिटिंग के लिए भी दे दी है, जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, दिवाली वाले व्लॉग में वेयर करके दिखाऊंगी। आपको कुछ पसंद आया? बाकी कृतिका के और कुट्टू के कपड़े हमने ले लिए हैं। कृतिका के कपड़े अभी जो है फिटिंग के लिए जा रहे हैं, कुट्टू के कपड़े हमने ले लिए वो ले रही, और अभी मैं अपने लिए देख रहा हूँ। और टाइम आप देख सकते हो 5:30 हो चुके हैं, और अभी जा रहे हैं पार्किंग में गाड़ी लेने के लिए। तो अभी हम पार्किंग में आ गए हैं और विराज अभी पेमेंट कर रहे हैं गाड़ी की, पार्किंग की, और अभी हमारी गाड़ी आने वाली है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि गाड़ी कैसे आती है यहाँ पे ऑटोमेटिकली। ये देखो हमारी गाड़ी आ गई है। सो अभी हम यहाँ से गाड़ी लेकर के निकलते हैं, और बाहर जाकर मुझे एक बार शोरूम से अपनी ड्रेस लानी जो मैंने फिटिंग के लिए दी हुई थी, उसको लेकर के फिर हम यहाँ से निकलते हैं। और विराज और कुट्टू भी आ गए हैं। तो अभी हमने अपनी गाड़ी ले ली और पार्किंग से लेके हम अपनी गाड़ी को निकल रहे हैं, और कुट्टू हमारा सो गया था गोद में ही। तो अभी शाम का टाइम हो गया और आप पूरी मार्केट को देख सकते हो कैसे लाइटों से बिल्कुल कवर की हुई है। तो एक बार मैं जा रही हूँ शोरूम अपनी ड्रेस लेने के लिए, जो होप सो फिटिंग होगी होगी, क्योंकि वो कह रहे थे टाइम लगेगा 1.5 घंटा, बट देखते हैं अभी होगी होगी तो ले लेंगे। तो मैं ड्रेस लेकर के निकल गई हूँ, और रश बहुत ज़्यादा मार्केट में, देखो आप कितना ज़्यादा रश है, बट डेकोरेशन देखो और कितनी अच्छी की हुई है, एक अलग ही मतलब मज़ा आ रहा है मार्केट में। दिवाली पे तो मज़ा आते हैं, और साथ ही साथ विराज भी आ गए हैं गाड़ी लेकर के मुझे पिक करने के लिए, और मैं एक बार बैठ जाती हूँ। ड्रेस मिल गई तुम्हारी? हाँ जी मिल गई है। बस चेक तो करने का टाइम मिला नहीं होगा, अभी ट्रैफिक इतना है, क्या करें, काफी रश हो गया जैसे शाम हो गई है। कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, पूरी डेकोरेट हुई हुई है। यही वाली रोड है, कुछ को तुम मिलो। तो आप देख सकते हो दिवाली के चलते कितनी ज्यादा लाइटनिंग है मार्केट में, और अच्छा भी लग रहा है। तो हम जा रहे हैं घर वापस, और काफी आगे आ चुके हैं दिल्ली से। हम कितने बजे निकल गए थे? 6:30 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए थे, और बहुत ज़्यादा रश था, इसलिए बहुत कुछ तो हम शूट नहीं कर पाए, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था दिवाली के चलते कि बस कुछ हो मत। और कुट्टू में परेशान हो रहा था, और अब भी परेशान हो रहा है। तो घर पहुँच के हम आपको दिखा पाएंगे हमने क्या क्या खरीदा है कुट्टू के लिए, अपने लिए, और सबसे बड़ी बात तो इनके तो कपड़े मिले ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला, और इस रश की वजह से। तो बाकी हम घर पहुँच के दिखाते हैं। तो अभी हम बीच में रुके हैं एक और मार्केट में, एक छोटी सी मार्केट है, तो यहाँ से देखते हैं अगर हमें कुछ पसंद आता है। तो कृतिका भी देखने लग रही है, तो देखते हैं अगर कुछ इसको पसंद आता है, लक्ष्मी गणेश या शुभ दीपावली वगैरह, तो अभी चेक कर रहे हैं। और
अभी दिवाली की शॉपिंग चल रही है भाई। अभी हम रुके हैं बड़ौत और अभी मतलब मैंने अपने कपड़े नहीं लिए थे तो वो मैं देख रहा हूँ कि मेरे को अगर यहाँ से पसंद आते तो मैं यहाँ से अपने कपड़े देखता हूँ और फिर चलते हैं कुत्तों को लेकर के अंदर। कुत्तों को देखो एक्साइटमेंट कितनी है, मतलब इसके कपड़े ले चुके और मुझे सिर्फ अपने लेने हैं लेकिन एक्साइटमेंट इसको ज़्यादा लग रही है। तो चलो फिर चलते हैं अंदर और कपड़े देखते हैं। कौन से पसंद किए ये वाले? तो मैंने भी अपने कपड़े ले लिए हैं और अभी हम घर के लिए निकल चुके हैं तो थोड़ी बहुत देर में हम घर पहुंच जाएंगे। फिर घर पहुंच के मैं आपको दिखाता हूं कि आज हमने क्या क्या शॉपिंग की है और मम्मी पापा को भी दिखाते हैं घर चल करके। तो भाई घर पहुंच चुके हैं और अभी सामान जो है पापा ऊपर खींच रहे हैं, ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ सामान ऊपर जा रहा है अभी सारा का सारा। नहीं नहीं स्कूटी की चाबी दे दियो। अभी लड़ी वगैरह भी आपको दिखाई दे रही होगी लग चुकी है, बस कनेक्शन बाकी है इनके और इधर साइड वाले घर पे भी लग चुकी है और सामने पेट्रोल पंप भी आप देख सकते हो। क्या कह रहा? हाँ वापस घर आ चुके हैं और जो सामान लेके आए हम शॉपिंग करके आए वो भी मम्मी पापा को दिखाते हैं तो चलते हैं फिर उनको। और कुट्टू तो पागल हो गया भाई घर आके, कुट्टू बैग लेके जा रहा है अपना, बैग रिवर्स गियर लगा के इसका स्कूटी सी का अपनी ऐ लाओ इसको यहाँ पे रखो। तो देखो देखो जो है कपड़े मम्मी पापा को दिखाने वाले हैं तो ये एक ब्लैक जीन्स मैं लेके आया हूँ तो पापा का रिएक्शन देखते हैं क्या रहता है भाई जीन्स पे। कुट्टू के कपड़े दिखाओ। तो भी ये कुट्टू के कपड़े लेके आए इसकी मम्मी के ड्रेस से मैचिंग। ओ कुट्टू को देखो कैसे देख रहा है कपड़ों को तेरी यही है। और अब अपने दिखाओ एक साल के लिए थे। ओए 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 कुट्टू पैर के ऊपर चढ़ाई तूने। अरे आज तो कुट्टू का बर्थडे यार, केक लाना भूल गया इसका। ओहो कुट्टू आज तो तेरा बर्थडे रह गया ऐसे ही। लो भाई देखो ये तो तुझे मम्मी तो आई नहीं रही वीडियो में, वहां बैठी बिल्कुल इतनी दूर। तो भाई ये थी अपनी कुछ शॉपिंग और बाकी शॉपिंग अभी कल को होगी। तो गाइस शॉपिंग वगैरह सब हो चुकी है और हम घर आ चुके हैं, हमने कपड़े वगैरह सब दिखा दिए मम्मी पापा को, सबको बहुत अच्छे लगे। तो अब कल है छोटी दिवाली, परसों है बड़ी दिवाली, तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस, सभी की दिवाली बहुत अच्छी जाए। तो मिलते हैं आपसे कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओके बाय।